हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज इतिहास विभाग से। आज सेमेस्टर 5 का मैं पेपर लेकर आई हूँ, DSC 2। DSC 2 में जो आपका पेपर है उसमें भारत की उन महिलाओं के बारे में हमें पढ़ना है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी तथा भारत को राष्ट्र बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया था। इसके पहले के वीडियो में मैंने कई अन्य महिलाओं के बारे में चर्चा की थी और उनके बारे में बताया था। आज फिर मैं एक वैसी महिला के बारे में बात करूंगी जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनके योगदानों के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया और उनके मृत्यु के बाद उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो महिला हैं अरुणा आसिफ अली। तो आज हम अरुणा आसिफ अली के बारे में चर्चा करेंगे। अरुणा आसिफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 ईस्वी में कालका हरियाणा में हुआ था। उनका परिवार एक रूढ़िवादी बंगाली ब्राह्मण परिवार था। उनके बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर और नैनीताल के सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से हुई थी। स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद कलकत्ता के आसिफ अली मेमोरियल स्कूल में उन्हें शिक्षिका की नौकरी मिल गई। इसी संबंध में जब वह इलाहाबाद गई थी तो इलाहाबाद में आसिफ अली के साथ उनकी मुलाकात हुई। आसिफ अली कांग्रेस के एक ख्याति प्राप्त नेता थे। वह अरुणा से 23 वर्ष बड़े थे और दूसरे धर्म के भी थे, परंतु अरुणा आसिफ अली और अरुणा ने आसिफ अली के साथ विवाह करने का फैसला लिया। यद्यपि उनके परिवारजनों ने उनका बहुत विरोध किया, परंतु फिर भी दोनों ने विवाह कर लिया। उनके पति कांग्रेस के एक सक्रिय नेता थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तरह तरह से अपना योगदान दे रहे थे। उसी समय अरुणा आसिफ अली भी अपने पति के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी और उन्होंने हर संभव अपना योगदान देना शुरू कर दिया। 1930 ईस्वी में जब नमक कानून को तोड़ा गया, तब वह अरुणा आसिफ अली ने उस समय सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिया, जुलूसों को निकाला, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन पर कई आरोप लगाए और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अरुणा आसिफ अली को जेल में बंद थी। उसी समय गांधी इरविन समझौता हुआ और इस समझौते के तहत सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु अंग्रेज अरुणा आसिफ अली को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी राजनीतिक बंदियों को तो छोड़ दिया, परंतु अरुणा आसिफ अली को उन्होंने जेल में ही बंद रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने जन आंदोलन चलाकर अरुणा आसिफ अली को वहां से रिहा कराया।
1933 ईस्वी में अंग्रेजों ने और कई आरोप लगाकर उन्हें फिर से जेल भेज दिया। वह तिहाड़ जेल चली गईं। तिहाड़ जेल में जब उन्होंने कैदियों की स्थितियों को देखा, उनकी दुर्दशा को देखा, तो वह व्यथित हो गईं। उन्होंने इसमें सुधार करने के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने भूख हड़ताल तक की। उनकी भूख हड़ताल के कारण अंग्रेज डर गए और उनकी भूख हड़ताल सफल हुई। उसके बाद जेल के कैदियों की हालत में थोड़ा सुधार तो जरूर हुआ, परंतु अरुणा आसिफ अली को अंबाला के जेल में एकांतवास के लिए भेज दिया गया। वह वहाँ बहुत दिनों तक एकांत में रहीं। उस जेल में किसी के साथ उनका संपर्क नहीं रहा। उसके बाद फिर वह वहाँ से निकली और भूमिगत होकर वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देती रहीं। उसी समय जब 1942 ईस्वी में जब उनके पति के साथ वह बॉम्बे गईं, बॉम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था। इसके बाद एक दिन बाद ही अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, परंतु अरुणा आसिफ अली ने उसी समय बॉम्बे के गलेलिया टैंक मैदान में जाकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहरा दिया और इस आंदोलन की अध्यक्षता की। भारत छोड़ो आंदोलन में वह सक्रिय रूप से भाग लिया और कभी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी नहीं होने दी। वह हमेशा कभी सामने से कभी भूमिगत होकर इस आंदोलन में हमेशा सहयोग करती रही। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने इसमें जो है भाग लिया और झंडा फहराकर उन्होंने 1942 में जब कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी, तब उन्होंने जो मैदान में टैंक मैदान में जो झंडा फहराया, उससे उन्होंने 1942 के आंदोलन का आगाज किया, जो युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब अरुणा आसिफ अली जब तक रहीं तब तक वो सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य रहीं। सोशलिस्ट पार्टी उस समय कांग्रेस पार्टी का ही एक हिस्सा थी। उन्होंने बाद में उस पार्टी कांग्रेस से हटकर उन्होंने और उनके अन्य साथियों ने एक अलग सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया और यही सोशलिस्ट पार्टी 1955 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बन गई। इस कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष अरुणा आसिफ अली को बनाया गया और वह यंग इंडिया ट्रेड यूनियन की भी अध्यक्ष बनी। इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष बनी और इसके बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया और वह दिल्ली की मेयर भी बनी। 1964 ईस्वी में वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई, परंतु इस बार वह सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में शामिल नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद इन्हें 1974 में लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया और 1991 ईस्वी में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 29 जुलाई 1996 ईस्वी को अरुणा आसिफ अली का निधन हो गया और इनके निधन के बाद 1995
1998 ईस्वी को इन्हें भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। इनके याद में डाक टिकटों को भी जारी किया गया था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अरुणा आसिफ अली एक भारत की आज़ादी के लिए एक नायिका के रूप में उभर कर आई थी। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में जिस तरह गलेलिया टैंक मैदान में इन्होंने भारतीय झंडे को फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था, उसमें इन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी। यह उस समय के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बन गई थी और भारत की आज़ादी के लिए इन युवाओं ने अपना सबसे अधिक योगदान दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरुणा आसिफ अली का स्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो, आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद, उन्होंने हमारे देश के लिए जो भी किया वह एक मिसाल है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।